बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए त्योहारों को लेकर क्राइसिस कमेटी ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिन पर असहमति जताते हुए कांग्रेस नेता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां तीनों ही नेताओं ने परंपरा का हवाला देते हुए कुछ फैसलों पर पुनर्विचार की बात कही है। देखिए खास रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना के बीच त्योहार बने प्रशासन के लिए चिंता। त्योहारों को देखते हुए क्राइसिस कमेटी ने लिए अहम फैसले। फैसलों से असहमत कांग्रेस नेताओं ने की कलेक्टर से मुलाकात। होली पर सख्ती को लेकर कांग्रेस ने दिया परंपरा का हवाला। लगातार पैर पसारते कोरोना संक्रमण के बीच आगामी त्योहारों ने अब जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, जहां त्योहारों को देखते हुए क्राइसिस कमेटी ने भी कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें होली के त्योहार पर सख्ती बरतने की बात भी कही गई है। वहीं कमेटी के इस फैसले पर असहमति जताते हुए कांग्रेस की तिकड़ी यानी विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल और शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल कलेक्टर से मिलने पहुंचे, जहां तीनों ही नेताओं ने एक बार फिर प्रशासन से अपने फैसले पर विचार करने की बात कही। इंदौर शहर में आज भी कोरोना महामारी भयंकर फैल रही है और हम भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं, पहले भी करा आज भी करा, भले अध्यक्ष जी हो या विशाल भाई हो, हम सब ने मिलकर सपोर्ट किया लगातार। परंतु जो होली दहन की बात हुई तो हम होली का दहन वहाँ रोड पर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे गुड फ्राइडे त्यौहार भी आ रहा है, उसके अलावा अपने मुस्लिम समाज का भी हमारा त्यौहार आ रहा है, हिंदू समाज का अपना होली का दहन त्यौहार आ रहा है। तीन त्यौहार लगातार एक साथ आ रहे हैं, उन दो शहर में ज़्यादा कोरोना महामारी फैल रही है, तो आदरणीय कलेक्टर साहब ने बोला कि तीनों महामारी को हम एक साथ नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि तीन त्यौहार आ रहे हैं, तीनों त्यौहार बड़े बड़े त्यौहार हैं। तो उनसे हमने बात हुई, उन्होंने ये बोला कि आप होली का त्यौहार अपने घर पे मनाएं, परंतु हमारा निवेदन था कि जो रिश्तेदार समाज के लोग वो आएंगे जाएंगे, जिनकी गमी हो गई, उनकी गमी हो गई तो उनको ना रोका जाए, क्योंकि जब तक ये त्यौहार नहीं मनाएंगे और रंग नहीं डलेगा घर पे कोई शुभ काम नहीं होता, भले वो मांगलिक कार्य हो, शुभ कार्य हो या शादी ब्याह हो, कोई सभी कार्यक्रम नहीं होता। तो हमने उनसे निवेदन किया है कि हमको सिर्फ उसके लिए पसंद दी जाए कि जो त्यौहार के लोग आना जाना चाहते हैं, कुछ लोग तो उनको, क्योंकि जितने परिवार के लोग बेचारे घर पे इंतजार करते हैं हमारे रिश्तेदार, हमारे समाज, हमारा दोस्त या कोई हमारा रंग डालने आए, जिससे ये हमारा जो अशुभ हो जाता है वो शुद्ध हो जाए और हमारा नया त्यौहार बनने लग जाए। होली के अलावा ऐसा कोई त्यौहार नहीं जिससे एक महीने पहले कोई इस बार हुआ हो तो होली का रंग डालने के बाद वो त्यौहार या शादी ब्याह कुछ भी कर सकता है। तो हमने उनसे निवेदन किया तो हमारी बात मानी है और बोल रहे हैं कि हम बैठ के बात करेंगे, निर्णय लेंगे। कलेक्टर मनीष सिंह की माने तो जनप्रतिनिधियों को हालात समझाने के बाद अब सभी ने फैसलों को लेकर अपनी सहमति दे दी है। नहीं, ये तो शासन ने जनरल गाइडलाइंस दे दी थी और कोई ऐसा हालात कुछ नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन लोगों ने ये कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये आपत्ति रेस की गई थी सार्वजनिक सोशल मीडिया पर, उन सबसे चर्चा हो गई है और सभी सहमत हैं कि जो प्रशासन कर रहा है वो, सभी ने अपना वर्जन भी दे दिया है टीवी में, सभी सहमत हैं, चाहे संजय शुक्ला जी हों चाहे उमेश शर्मा जी हों, कि अस्पतालों की स्थिति को देखते हुए और जो परिस्थितियां चल रही कोविड की जब समझाई गई उनको, तो बिल्कुल एग्री हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण का सीधा असर अब आगामी त्योहारों पर देखने को मिलेगा, जहां लोगों को अपने घरों में रहकर ही होली का त्योहार मनाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।